पोखर नदियाँ झरने की डाले बहाए हमने, खेतरी की फसल लहराई, नोटों पर जश्न मनाए हमने। आयोजक यशपाल रावत जी, डीएवी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट तरंग सभागार फरीदाबाद में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। आशिमा कॉल, कृष्णा सागर, और उसके बाद हैं माधुरी मिश्रा, और उसके बाद हैं डॉक्टर विनीता श्री, ये सब इन्होंने कविताएं सुनाई विश्व पर्यावरण दिवस पर। अरुणा कालिया जी, इन सभी ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। सुरेखा जैन जी ने मंच संचालक, इन्होंने बहुत अच्छा मंच संचालन किया। और इसके अतिरिक्त ज्ञान सिंह मुसाफिर जी, सब ने अपने अपने तरफ से पर्यावरण बचाने के लिए कहा। निशा गर्ग जी, अजय अज्ञात जी, अपनी रचनाओं से इन्होंने कहा धरती को बचाना है। मोहन शास्त्री जी, इन्होंने भी अच्छी कविता सुनाई। NL गोसाई जी, और उसके बाद छोटा बच्चा विहान मेहता, देखिए सभी चाहते हैं हमारी पृथ्वी बची रहे। महेंद्र शर्मा, मधुकर जी, और डॉक्टर अंजुदुआ जैमिनी, यानी मैंने भी कविता सुनाई। बबीता गर्ग सहर, और इसके बाद सुदर्शन रत्नाकर जी, इन्होंने भी कविता सुनाई। बहुत अरसे बाद काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। उर्मिल दुआ जी, इन्होंने भी सुनाई कविता। एक युवा कवि पुनीत पांचाल, और उसके बाद सतीश फोगाट जी, और इन्होंने भी अपने वचन कहे। और अध्यक्ष नई दिशाएं हेल्पलाइन डॉक्टर अंजू, और ये हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर डीएवी कॉलेज सतीश आहूजा जी। और उसके बाद कुछ और अतिथिगण भी आए, इन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी कि हमें पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि बिना पर्यावरण बचाए हम जीवित नहीं रह सकते, ये भी हम जानते हैं। अंबादत भट्ट जी, ये अध्यक्ष हैं उर्दू दोस्त के, इन्होंने भी कविता सुनाई। रीता आदा हैं, इन्होंने भी अपनी कविताएं कही। और प्रदीप गर्ग पराग जी, इन्होंने भी हाइकू सुनाए। माधुरी मिश्रा, इन्होंने भी कविता सुनाई, कविता पाठ किया और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। यशपाल रावत जी ने सभी अतिथियों को, उसके बाद 251 पौधे इन्होंने भेंट किए कॉलेज को। सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंसान की प्रकृति का पता नहीं, लेकिन प्रकृति की प्रकृति निभाती है मुझको। इंसान की प्रकृति का पता नहीं, लेकिन प्रकृति की प्रकृति निभाती है मुझको। इसमें न लालच न दोगलापन, इसमें न लालच न दोगलापन है, इसीलिए प्रकृति कहे मानव से मैं तुझे ही संवारती हूँ। प्रकृति कहे मानव से मैं तुझे ही संवारती हूँ, तुझे ही बसाती हूँ, तुझे ही पोषती हूँ। तेरे लिए स्वच्छ स्वस्थ वातावरण बनाती, तेरे लिए स्वच्छ स्वस्थ वातावरण बनाती, फिर क्यों तू मेरा ही मार्ग अवरुद्ध करे, फिर क्यों तू मेरा ही मार्ग अवरुद्ध करे। नमस्कार करते हैं, और कल पर्यावरण दिवस है, तो उस मौके पर जो है आप सबको अग्रिम बधाइयाँ शुभकामनाएं। जहाँ मेरे ख्याल से सभागार में जितने लोग बैठे हैं सभी परिचित है कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम बात नहीं आते हैं। हम हिल स्टेशन्स पे जाते हैं तो हम कूड़ा फैला के आ जाते हैं, नदियों में हम कूड़ा फेंक देते हैं, पेड़ों को हम काटते हैं, तो हम खुद दोषी हैं इसके लिए। आगे आगे हमें पानी और सांस लेने के लिए भी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी, और चुका भी रहे हैं, अभी पीछे हमने देख ही लिया है। तो करके उनका सम्मान जो हमें सिखाते हैं। अब मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। नीला आकाश, गहरा समुद्र, मीठी नदी का पानी, मुझे लगते ही प्यारे। सूरज चमकता दिन में, रात को आते तारे, हाँ मुझे लगते हैं ये प्यारे।
उड़ते परिंदे लहराते खेत, उड़ते परिंदे लहराते खेत, कितना खूबसूरत है मेरा देश। यहाँ गंगा, यहाँ राम, यहाँ राधा, यहाँ श्याम, मेरे देश का नाम भारत, मेरे देश का नाम भारत। पी डाले पहाड़ हमने, कंक्रीट की फसल लहराई, नोटों पर जश्न मनाए हमने, बूंद बूंद को तरसे अब, मन में मरु उगाए हमने, मन में मरु उगाए हमने, तृतीय विश्व युद्ध जल को लेकर, तृतीय विश्व युद्ध जल को लेकर, वसन हरित जलाए हमने, वसन हरित जलाए हमने। और अब मेरी एक कविता है ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी इससे परिचित होंगे कि तापमान के बढ़ते ही मुंह से निकली आह, लावा बन कानों से उगली बेपनाह, 48 डिग्री पारा फिर लिया यज्ञ का सहारा, सूखे में बाढ़ का खतरा, बाढ़ में बहती प्रकृति, चीख उठी एक एक कृति, एक एक कृति, देखते ही देखते समंदर की शांत लहरें, फैलाए ऑक्टोपसी बाहें, गला घोट लगी पीसने, इंसानों को लगी चीतने, कहीं आग उगलती तो कहीं सुनामी तुनकती, तो कहीं सुनामी तुनकती, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, पेड़ रह गए कम, रोज एक नगर बसा है, रोज एक नगर बसा है, रोज एक नगर। हाँ, शिमला श्रीनगर में आपात बैठक सजती, पर्यावरण असंतुलन पर गंभीर वार्ता लरसती, कि मौसम की उथल पुथल रणनीति मात्र से कहाँ थमती, रणनीति मात्र से कहाँ थमती। और अंतिम देखिए, समय रहते चेत जाओ, पत्थरों तले पेड़ों को अब और ना कुचलाओ, अब और ना कुचलाओ, अब और ना दफना। नदियाँ जहाँ बेदोषी रिचाए, छंद झरनों से जहाँ झरते हैं झरझर, छंद झरनों से जहाँ झरते हैं झरझर, गजल गाती है जहाँ मदमस्त हवाएं, गजल गाती है जहाँ मदमस्त हवाएं, इस सरजमी के आगे, इस सरजमी के आगे आओ सर तो झुकाएं, इस सरजमी के आगे आओ सर तो झुकाएं, माना जहरीली हुई शहरों की हवाएं, माना जहरीली हुई शहरों की हवाएं, डरे सहमे से हैं जंगल दर्द किसको बताएं, डरे सहमे से हैं जंगल दर्द किसको बताएं, परिंदों के लिए भी कहाँ है शेष शाखाएं, परिंदों के लिए भी कहाँ है शेष शाखाएं, कुदरत ने तो सौंपे थे हमें पंचरत्न, कुदरत ने तो सौंपे थे पंचरत्न हमको, पत्थरों की एवेज में हम उनको यूं ही लुटाएं, पत्थरों की एवेज में हम उनको यूं ही लुटाएं, कलम के मालियों से इतनी है गुजारिश मेरी, कलम के मोहन जी मैंने आपको सुना, अब आप मेरे को सुनो। कलम के मालियों से, मैंने सिपाही नहीं कहा कलम, कलम के मालियों से इतनी सी है गुजारिश, अल्फाज ऐसे बोएं, लफ्जों को ऐसे सींचे, जमी लगे सुनहरी आसमान नीला नजर आए, आसमान नीला नजर आए। कुदरत ने तो कर दिया अब आईना आगे, कुदरत ने तो रख दिया आईना आगे, अक्स देख कर अपना अभी भी ना घबराए, कुदरत ने तो कर दिया अब आईना आगे, अक्स देख कर अपना घर अभी भी ना घबराए, खुदा खुद गर्जी को हमारी और कैसे समझाए, खुदा खुद गर्जी को हमारी और कैसे समझाए, घर संभले नहीं अब भी, अगर संभले नहीं अब भी तो हश्र होगा कुछ ऐसा, धरती पे बस आदम हवा नजर आए, धरती पे बस आदम हवा नजर आए। संकल्प ले, संकल्प ले, बोएंगे हरियाली, अमृत बरसेगा बूंदों से, उजड़े गुलशन को हम फिर से महकाएं, उजड़े गुलशन को हम फिर से महकाएं, इस सरजमी के सजदे में आओ सर तो झुकाएं, गूंजती है जहां इबादत की सदाएं, गूंजती है जहां इबादत की सदाएं। घनीभूत जंगल, 10-20 पेड़ जंगल नहीं होते, 10-20 पेड़ जंगल नहीं होते, जंगल होते हैं गहरे घने, जंगल होते हैं गहरे घने,
जहाँ आसमान को छूते पेड़ होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ नोकदार पत्तियाँ होती हैं, छाया देते हैं ये पेड़, लताओं का आधार होते हैं ये पेड़, हिंसक पशुओं का घर होते हैं जंगल, मासूम पशुओं की पनाह घर होते हैं ये जंगल, डराते हैं ये जंगल, रास्ता रोकते हैं ये जंगल, पर बड़े सुंदर भी होते हैं ये जंगल, नदियाँ झरने भी बहते हैं यहाँ, आदिवासी भी रहते हैं यहाँ, एक अलग ही दुनिया बसती है यहाँ, कम है पर चांद तारों की चांदनी भी बरसती है, प्रकृति का उपहार होते हैं घने जंगल, जड़ी बूटियों का भंडार होते हैं ये जंगल, वर्षा का आधार होते हैं ये जंगल, पर आज अपनी किस्मत पर रोते हैं जंगल, औद्योगिक विकास की कुल्हाड़ी से कट रहे हैं जंगल, नहीं रही वो रौनकें, नहीं रहे वो पनाह घर, भटक रहे हैं जानवर, खाली हो रही हैं बस्तियाँ, विलुप्त हो रही हैं जनजातियाँ, खिलवाड़ कर रहा मानव, खिलवाड़ कर रहा मानव प्रकृति के उपहार से, काटना तो पड़ेगा जो बो रहा संसार में, दोस्तों जंगल बाहर ही नहीं होते, मन के भीतर भी होते हैं गहरे जंगल, भावनाओं के एहसासों के, दुख उदासी पीड़ा के चुभते हैं कांटे, खुशियों की शीतल छाया भी देते हैं ये जंगल, काटना मत इन जंगलों को, नहीं तो सूने हो जाएंगे, मन के भी ये जंगल और बिखर बिखर जाएंगे, रिश्तों के घनी दूर जंगल, धन्यवाद। कटता है जंगल, वैसे तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन जिस अंदाज में मैं अभी देख रहा हूँ वो है, कटता है जंगल, बनती है कुर्सियाँ, आती है शहर में, और फिर शुरू होता है जंगल राज। कटता है जंगल, बनती है कुर्सियाँ, आती है शहर में, और फिर शुरू होता है जंगल राज।